गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 7B चैप्टर लॉग फ्रॉम फ्रैंक एमयू आईसीएसई बुक्स फॉर क्लास 9th, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 से करना है। देखिए क्या है, गिवन लॉग 2 इज इक्वल टू ए, लॉग 3 इज इक्वल टू बी, तो निकालना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ए और बी और बोथ, इनको ए या बी के टर्म्स में लिखना है या दोनों ही, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, लॉग 1.5, ठीक। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 1.5 अपॉन डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, देखिए 5 3 15, 5 2 10, ये मेरा हो गया लॉग 3/2। लॉग की प्रॉपर्टी से स्टूडेंट ये मेरा क्या आ जाएगा, लॉग 3 माइनस लॉग 2, ठीक है ना। अब देखिए लॉग 3 की वैल्यू क्या है, बी, तो यहाँ पे रख देंगे बी माइनस ए, क्लियर है। यहाँ पे स्टूडेंट जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है लॉग एम अपॉन एन। इस फॉर्म का स्टूडेंट अगर होता है तो आपको याद होगा हम लोग यूज़ करते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, क्लियर। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये मुझे क्या दिया हुआ है, लॉग 1.2, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 1.2 अपॉन 10, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, लॉग 6 अपॉन 5 है तो ये हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग 6 माइनस लॉग 5, क्लियर। अब देखिए क्या कर सकते हैं, लॉग 6 माइनस लॉग 5 को लिख सकते हैं लॉग 10/2, क्लियर है। ऐसा ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे बेस 10 नहीं है तो बेस नहीं दिया होता है तो हम लोग 10 मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो लॉग 10 और 10 ये क्या हो जाएगा 1, और माइनस लॉग 2 का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, लॉग 6 माइनस लॉग एम अपॉन एन क्या हो जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्लियर। यही होता है, ये बेस 10 ये मेरा है, इसका बेस भी 10 है, बेस भी 10 है, अंडर स्टूड है, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग बेस 10 और 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा दिया लॉग 6, लॉग 6 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 × 3, ठीक है ना, ये कर देंगे। देखिए माइनस ये हो जाएगा लॉग बेस 10 10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग 2। लॉग एम इंटू एन क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी लॉग 2 प्लस लॉग 3 माइनस ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस लॉग 2, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए लॉग 2 और लॉग 2 मिलके क्या हो जाएगा, 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3 माइनस 1, क्लियर है स्टूडेंट, ये मेरा आ गया 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3 माइनस 1। देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये देखिए लॉग 2 की वैल्यू क्या है, a है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस लॉग 3 की वैल्यू क्या है, b है, तो b माइनस 1। अब ये मेरा a और b के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा जो है फाइनली मेरा क्या आ गया है, 2a प्लस b माइनस 1, क्लियर है स्टूडेंट, 2a प्लस b माइनस 1 मेरा आया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए आइए स्टूडेंट, देखिए क्या दिया हुआ है, लॉग 0.24, ठीक है ना। डेसिमल के बाद कितने कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो नीचे क्या कर देंगे स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा लॉग 24/100, क्लियर। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 2 1 2
टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा टेन, ज़ीरो, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू ट्वेंटी फाइव ज़ा। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए मेरा क्या आ गया, लॉग सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, लॉग एम अपॉन एन, ये मेरा है लॉग एम अपॉन एन के फॉर्म का, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग एम माइनस लॉग ऑफ एन, तो ये हो जाएगा लॉग सिक्स माइनस लॉग ट्वेंटी फाइव। क्लियर है स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग टू इंटू थ्री, ठीक है ना, माइनस लॉग ट्वेंटी फाइव को क्या लिख सकते हैं, फाइव टू द पावर ऑफ टू, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम इंटू एन, ठीक है ना, टू द बेस ए, ये हमारा होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो एक ये प्रॉपर्टी है, दूसरी क्या है, लॉग एम टू द पावर एन टू द बेस ए, ये हमारा हो जाता है एन लॉग एम, ठीक है ना। तो इन्हें हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए तो मेरा क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा देखिए लॉग टू प्लस लॉग थ्री माइनस टू, ये है मेरा लॉग फाइव, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, लॉग फाइव। क्लियर है स्टूडेंट? अब आप देखेंगे कि हमें डायरेक्ट लॉग फाइव की वैल्यू नहीं दी हुई है, आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, लॉग टू प्लस लॉग थ्री माइनस टू, लॉग फाइव को क्या लिख सकते हैं, लॉग टेन अपॉन टू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आइए, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए लॉग टू प्लस लॉग थ्री माइनस टू, अब ये लॉग एम अपॉन एन क्या हो जाएगा, देखिए लॉग बेस टेन और ये टेन अंडरस्टूड है, माइनस लॉग टू, क्लियर है, माइनस लॉग टू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा लॉग टू प्लस लॉग थ्री माइनस टू, लॉग बेस टेन टेन माइनस माइनस प्लस साथ में टू लॉग टू, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, टू लॉग टू और लॉग टू मिलके क्या हो जाएगा, थ्री लॉग टू, तो हम लोग इसको थ्री लॉग टू लिख देंगे, ठीक है ना, प्लस लॉग थ्री माइनस टू लॉग बेस टेन और ये टेन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वन, यानी टू इंटू वन, क्या आ गया स्टूडेंट, थ्री लॉग टू प्लस लॉग थ्री माइनस टू, ठीक है ना। लॉग टू की वैल्यू स्टूडेंट क्या थी, ए थी, तो थ्री इंटू ए, लॉग थ्री की वैल्यू बी है तो बी, और ये माइनस टू इंटू वन इज टू, ठीक है स्टूडेंट, क्या आ गया, थ्री ए प्लस बी माइनस टू। क्लियर है स्टूडेंट? ये मेरा आंसर है सी पार्ट का। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसका डी पार्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसका डी पार्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, डी पार्ट में हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है लॉग पॉइंट फाइव, ठीक है, लॉग पॉइंट फाइव, देखिए क्या हो जाएगा, जो मेरा डी पार्ट है वो दिया हुआ है लॉग पॉइंट फाइव, देखिए क्या हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा फाइव अपॉन टेन, ठीक है ना, तो फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा, लॉग वन माइनस लॉग टू,
10 बेस पर अंडरस्टूड है, 10 बेस पर अंडरस्टूड है, ठीक है ना। देखिए लॉग वन का वैल्यू हमें पता है जीरो होता है, तो जीरो लगा देंगे, माइनस लॉग टू का वैल्यू हमें दिया है ए, तो जीरो माइनस ए क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज लॉग ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ पे हमने इसके प्लेस पे जीरो पुट किया, जीरो माइनस ए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस ए, क्लियर है। जीरो माइनस ए मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरा डी पार्ट भी कंप्लीट हुआ है, अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आइए स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए ई पार्ट क्या दिया हुआ है, हमें जो वैल्यू निकालनी है लॉग 0.036, ठीक है ना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग डेसिमल के बाद 1, 2, 3 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है ना। देखिए 2 ones are 2, 18, 2 fives are 10, 0, 0, ठीक है ना। 2 nines are 18, 2 twos are 4, 2 fives are 10, 0, ठीक है ना स्टूडेंट। ध्यान दें कितना आ गया है, लॉग 9 अपॉन 250, ठीक है ना। लॉग m अपॉन n के फॉर्म का है, क्या हो जाएगा, लॉग 9 माइनस लॉग 250, क्लियर है। अब दीजिए देखिए इधर क्या हो जाएगा, लॉग 9 को लिख सकते हैं 3 to the power of 2 माइनस, लॉग 250 को लिख सकते हैं 25 into 10, क्लियर है। देखिए क्या हो जाएगा, लॉग 3 का स्क्वायर माइनस लॉग, ठीक है ना। देखिए लॉग m इंटू n क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। देखिए फ्रेंड ये बाहर माइनस लगा हुआ है, तो अंदर लॉग m प्लस लॉग n करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि फिर अंदर के साइन हमारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, लॉग 25 माइनस प्लस माइनस लॉग ये 10, और यहाँ पे ये बेस क्या है स्टूडेंट, 10 है, क्योंकि इस सब में बेस क्या क्या है, 10 है, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, इसको लॉग की प्रॉपर्टी से ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस ये क्या है, लॉग 5 to the power of 2 माइनस 1, ठीक है ना, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस है, देखिए क्या हो जाएगा, 2 log 3, लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ गया माइनस 2 log 5 माइनस 1, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पर हो गया। चलिए चलिए स्टूडेंट यहाँ पर आइए, इसको थोड़ा सा देखिए, ये मेरा दिया है 2 log 3 माइनस 2 log 5, और ये माइनस वन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमें लॉग 2 और लॉग 3 की वैल्यू दी है, लॉग 5 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम ये करेंगे 2, लॉग 5 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10 बाई 2, ठीक है ना। लॉग 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 बाई 2, ये माइनस वन हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है ना। अब ये लॉग m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n, 2 log 3 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, देखिए लॉग 10 माइनस लॉग 2, और ये माइनस वन ऐसे है, बाहर माइनस है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 log 3 माइनस 2, देखिए लॉग 10 और ये बेस 10, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस, और 2 into 2 log 2, और ये माइनस 1,
क्लियर है स्टूडेंट, इतना हो गया। अब देखिए लॉग बेस 10 और 10 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1 होती है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 लॉग 3, ये माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 लॉग 2 माइनस 1, क्या आ गया देखिए 2 लॉग 3 माइनस 2 प्लस 2 लॉग 2 माइनस 1, क्या आ गया देखिए 2 लॉग 3, ये प्लस का है 2 लॉग 2 माइनस 2 माइनस 1 क्या होगा माइनस 3 हो गया, क्लियर है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, लॉग 3 की वैल्यू स्टूडेंट क्या है b है, क्या है b है, तो क्या हो जाएगा 2b प्लस 2a, लॉग 2 की वैल्यू a है तो a रख दिया 2a माइनस 3, क्लियर है ये मेरा आगे। इसको अगर सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2a प्लस 2b माइनस 3, क्लियर है स्टूडेंट। आप चाहें तो 2 कॉमन लेके भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमने ई पार्ट कंप्लीट किया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, कि नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है। तो आइए चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए हमें क्या दिया हुआ है, लॉग 9 इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, एक्सप्रेस लॉग 300 एंड लॉग 0.009 इन टर्म्स ऑफ ए। हमें लॉग 9 का वैल्यू ए दिया हुआ है, हमें लॉग 300 और लॉग 0.009 को ए के फॉर्म में लिखना है, क्लियर है स्टूडेंट। तो आइए देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, लॉग 300 क्या दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 3 इंटू 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लॉग m इंटू n के फॉर्म का है, लॉग m इंटू n, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये पूरा क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n यही होता है। आइए तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा, ये चीज़ मेरा निकल करके क्या आ जाएगा, लॉग 3 प्लस लॉग 100 क्या हो जाएगा, लॉग 100 हो जाएगा, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ 2, और बेस 10 यहाँ अंडरस्टूड है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, लॉग 3 प्लस 2, ये लॉग बेस 10 और ये 10, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या जाए लॉग 3 की वैल्यू क्या है, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये मुझे लॉग 300, देखिए क्या आ गया, लॉग 3 प्लस और ये मेरा हो गया 2, क्या हो गया स्टूडेंट 2, क्लियर है स्टूडेंट। तो अच्छा एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट, हमें स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ है कि लॉग 9 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लॉग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर ये इज इक्वल टू 2, लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो 2 लॉग 3 इज इक्वल टू a, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, लॉग 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2, तो लॉग 3 का वैल्यू क्या आया है, a बाई 2, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे लिखेंगे a अपॉन 2 और ये प्लस 2 ऐसे, क्लियर है स्टूडेंट। क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 2 प्लस 2, क्लियर है। तो ये हमारा फाइनली इस टाइप से हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए सेकेंड पार्ट पे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए सेकेंड पार्ट पे हमारा क्या है, हमें दिया हुआ है लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 0.009, क्लियर। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, लॉग डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो क्या हो जाएगा, यानी 9 अपॉन
1, 2, 3। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लॉग स्क्वायर रूट में है 9/1000, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 9/1000। देखिए ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या लिखा हुआ है, लॉग 9/1000 और ये पावर 1/2। पावर क्या है स्टूडेंट, 1/2 है। क्लियर है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट में पावर कितना होता है, 1/2, तो स्क्वायर रूट रिमूव करके 1/2 लगा दिया। अब लॉग m टू द पावर n, तो ये 1/2 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग 9/1230, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, लॉग m अपॉन n, लॉग m बाई n क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। ये हो गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लॉग 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं लॉग 10^3, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस सभी का बेस 10 है, फिर हम बता दे रहे हैं अगर बेस मेंशन नहीं है तो उसको 10 बेस सपोज करेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी का बेस स्टूडेंट क्या है, 10 है स्टूडेंट, क्या है, 10। अब देखिए आइए स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी तक जो मुझे आया है वो क्या आया है, देखिए 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर माइनस लॉग 10^3, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 1/2, ठीक है ना, और ये लॉग 10^3, ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखिए लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/2 लॉग 3 माइनस ये हो जाएगा 3/2, 1 इधर लेके आएंगे, 1 × 3 = 3 हो जाएगा 3/2 लॉग बेस लॉग 10, और ये बेस इसका 10 है, ये अंडर स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, क्या है, 10 है, यहाँ पर भी 10 है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया, लॉग 3 माइनस 3/2, क्या आ गया स्टूडेंट, लॉग 3 माइनस 3/2। लॉग 3 का वैल्यू स्टूडेंट ध्यान दें, लॉग 3 का वैल्यू हमने क्या, लॉग 3 का वैल्यू क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, बी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दें, ये थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमें लॉग 9 की वैल्यू दी थी, लॉग 9 की वैल्यू दिया हुआ था a, तो इसको हमने आपको निकाल करके दिखाया था कि 3 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू a, और ये हो जाएगा 2 log 3 इज इक्वल टू a, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने लॉग 3 का वैल्यू निकाला था a/2, क्या वैल्यू निकाली थी स्टूडेंट, a/2, तो इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, a/2 माइनस 3/2, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर 1/2 कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, a-3, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, a-3, क्लियर है। तो ये 7th का सेकेंड पार्ट भी हमने स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। 1/2 × a-3 ये मेरा फाइनल आंसर है, क्लियर है स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट, आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए हमें क्या दिया हुआ है, log 8 = 0.9030
एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ठीक है ना। लॉग 64, लॉग 2000, इसको हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, लॉग 64, ठीक है ना। आइए देखिए, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 8 to the power of 2। लॉग की प्रॉपर्टीज ये कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो क्या 2 log 8। क्लियर है। अब देखिए 2 log 8 का वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है, पुट कर दीजिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200, 2 3 6, 200, 2 9 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर। क्लियर है स्टूडेंट। अब आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्या दिया हुआ है देखिए, लॉग ऑफ 2000, क्या दिया हुआ है 2000, ठीक। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 1000, log m into n क्या हो जाएगा, log m plus log n, log 2 plus log 1000, ठीक है ना। log 2 plus इसको लिख सकते हैं log 10 to the power of 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब लॉग की प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, ये क्या होगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये क्या है देखिए, लॉग 2 प्लस 3 लॉग 10, और ये 10 ऐसे है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी। तो पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग 2 प्लस 3 into 1, ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 प्लस 3, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ध्यान दें, मुझे जो वैल्यू है वो log 2 प्लस log 3 आया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log 8 इज इक्वल टू 0.3090, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लें, देखिए log 8 इज इक्वल टू 0.9030 है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए log 2 to the power of 3, 2 का क्यूब करेंगे 8 मिल जाएगा, ठीक है ना, 0.309030। लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ गया, ये जाएगा 3 log 2, 0.9030, ठीक है ना। देखिए लॉग 2 का वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 0.9030/3, ठीक है। ये 3 डिवाइड में आ गया, अब क्या हो जाएगा देखिए, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, 0.33090010, तो ये मेरा लॉग 2 का वैल्यू आ गया। लॉग 2 की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 0.3010। क्लियर, क्या आ गया, 0.3010, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, 0.3010+3, ठीक है ना, ये मेरा आ गया। इसको जब ऐड करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा देखिए, इसको ऐड करने में बहुत इजी है, 3.3010। क्लियर स्टूडेंट, ये मेरा आंसर आ गया, 3.3010, ठीक है ना। तो ये मेरा जो है इसका एक पार्ट, इसके 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या दिया हुआ है देखिए, log 5/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m by n के फॉर्म का है, log 5 माइनस log 4, ठीक है ना। log 5 को क्या लिख सकते हैं देखिए, log 10/2 माइनस log 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन,
यानी log बेस 10 और ये 10 अंडर स्टूड है, माइनस log 2 माइनस ये हो जाएगा 2 log 2, ठीक है ना। ये 2 यहाँ पर है, log की प्रॉपर्टी से यहाँ पे है, तो ये 2 और ये log 2, ऐसे देखिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1 माइनस देखिए क्या हो जाएगा, log 2 माइनस 2 log 2, log 2 माइनस 2 log 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 log 2, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है ना, 1 माइनस 3 log 2। और स्टूडेंट अभी हमने आपको log 2 की वैल्यू निकाल के दिखाई है 0.3010, अभी निकाल के दिखाया, माइनस कर दीजिए 1 माइनस, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 300 3 1 3 300 3 3 9 और ये 0.9030, ठीक है ना, 0.9030, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये मेरा आ गया। अब स्टूडेंट आपको माइनस करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आई होप आप सभी लोगों को ये आता होगा, ठीक है ना, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ वर्क में आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 पॉइंट डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना, 0.9030 माइनस कर दीजिए, 0 9 माइनस 3, ठीक है, सॉरी 0 माइनस 0, 10 माइनस 3 इज 7, ये 9, ठीक है ना, ये 0 और ये 0, क्लियर है स्टूडेंट। तो क्या आया देखिए 0.0970, तो यहाँ पे माइनस करने पे क्या आएगा, देखिए 0.0970, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, इस पार्ट पे आते हैं, ये दिया हुआ है log 4, 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर, log की प्रॉपर्टी से कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो हो जाएगा 2 log 2, और log 2 की वैल्यू अभी निकाल के दिखाया क्या होता है, 0.3010, 200 2 1 2 200 2 3 6, ये 0, क्या है स्टूडेंट, 0.6020, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट किया है, अब इससे आगे का प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।